लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए अभ्यर्थियों का लखनऊ में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी लिखित कार्रवाई न होने के चलते प्रदेश भर से आए सैकड़ों अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं 5 महीने से एक अंक के पात्र 2249 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में लंबित है। न्यायपालिका की बात ऐसी है कि संघीय ढांचे में 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के किए गए फैसलों का न्यायपालिका मूल्यांकन करती है, पर उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है कि जो भी फैसले उनके हक से कोर्ट में आते हैं उनपे वो 2-3 दिन में सारे काम कर देती है। पर अगर किसी भी फैसले में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है जो सरकार के खिलाफ होता है, सरकारें उसको लेट लतीफी करती हैं, मामले में उलझाती रहती हैं और फंसाने का प्रयास करती हैं और अत्यधिक समय तक टालने की कोशिश की जाती है। ये सरकार में लगातार हो रहा है, ऐसा हमारे मामले में हो रहा है, किसी न किसी अन्य मामले के माध्यम से या और समय मांगने के माध्यम से लगातार सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना की जा रहा है।